Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic aromatic plant. तो आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है एरोमेटिक प्लांट. सो आज की वीडियो हम इस सीरीज में चलने वाले कि सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, क्यों इनको एरोमेटिक प्लांट्स बोला जाता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पे एक ट्रिक के थ्रू उन सारी फैमिलीज के नेम याद करेंगे जो कि एरोमेटिक प्लांट्स जिनको कंसिडर किया जाता है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे 10 एरोमेटिक प्लांट्स के नेम याद करने वाले हैं. प्लांट्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल इन देम आर कॉल्ड एज एरोमेटिक प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम एसेंशियल ऑयल, तो उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक प्लांट्स. अब ये जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज पे यूज़ होती हैं, फूड, परफ्यूम, लिकरीज जिनको हम ड्रिंक्स बोलते हैं, स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. तो फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू देने के लिए, ओके, इसलिए हम इनको एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी फैमिलीज होती है जो कि एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर कंसिडर की जाती है. तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि कैसे आप उन फैमिलीज के नेम याद कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि जो फैमिलीज मैंने ट्रिक में मेंशन करी है सिर्फ इतने ही होते हैं, इसके अलावा और भी फैमिलीज होती है, बट ये ऐसी फैमिलीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ क्योंकि वो कौन कौन सी फैमिलीज होती है जिनके जो मेंबर्स होते हैं वो एरोमेटिक प्लांट्स को बिलोंग करते हैं. तो अगर आपके दिमाग में ना फैमिलीज है तो आराम से आप 4-5 मेंबर वहां पे रिमेंबर करके एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक बॉटनी के हर टॉपिक में आपको मिनिमम 10 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. ओके, सो प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिलीज में जो ट्रिक है हम कैसे याद करें, माई लैम्प ओला अपेस्टा रन अवे. ठीक है, माय लैम्प ओला एंड अपेस्टा. ओला और अपेस्टा जो है वो एक नेम है. सो एक लैम्प है, एक बकरी है, तो मेरी बकरी जो है ओला और अपेस्टा वो भाग गई. इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, माय लैम्प ओला एंड अपेस्टा रन अवे. तो अब कैसे याद करें, यहाँ पे जो वर्ड माय है, माय मतलब होता है माइरिटेसी, लैम्प में जो एल ए एम वर्ड है उसका मतलब है लैमिएसी. यहाँ पे इस वीडियो में लैमिएसी के टोटल 4 मेंबर्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं. ओला वर्ड में जो ऑल वर्ड है उसका मतलब है ओलिएसी, और इस वीडियो में मैंने इसका एक मेंबर इंक्लूड किया हुआ है. ला वर्ड जो है वो है लॉरेसी फैमिली. इसके बाद से भी है अपेस्टा. अपेस्टा में जो एपी वर्ड है वो एपिएसी फैमिली के लिए, जो कि कोरिएंडर फैमिली होती है, इसके 2 मेंबर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं. एस्टा वर्ड मतलब होता है एस्टरेसी फैमिली, यानी कि सनफ्लावर वाली फैमिली जो होती है. रन अवे, तो यहाँ पे आर यू वर्ड जो है वो रूटेसी के लिए है. स्ट्रिक्ट के थ्रू हमने अप्रोक्सीमेटली 7-8 फैमिलीज के नेम याद किए. कौन कौन सी, माइरिटेसी, लैमिएसी, ओलिएसी, लॉरेसी, एपिएसी, एस्टरेसी एंड रूटेसी. अब हम यहाँ पे मिनिमम 10 जो है एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका नेम, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली क्या होती है और कौन सा पार्ट यूज किया जाता है एरोमेटिक प्लांट के फॉर्म. मैंने आपको बोला था कि लैमिएसी के मैंने यहाँ पे 4 मेंबर इंक्लूड किए हुए हैं. तो ये नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, स्पेशली तुलसी. तुलसी जो होती है वो काफी एरोमेटिक प्लांट होता है, बहुत अच्छी खुशबू से आती है. सो लैमिएसी फैमिली जो कि तुलसी फैमिली होती है, इसके मैंने यहाँ पे 4 मेंबर कौन कौन से इंक्लूड किए हैं, तुलसी, लेवेंडर, रोजमेरी, मेंथा या फिर मिंट. ठीक है, तुलसी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है ओसाइमम सैंक्टम, और इसके सीड से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि एरोमा या फिर फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है. फिर आता है लेवेंडर. लेवेंडर का बॉटनिकल नेम होता है लेवेंजुला एंगुस्टिफोलिया. ये जो होता है इसके फ्लावर को यूज करते हुए एरोमा एक्सट्रैक्ट की जाती है. फिर थर्ड पे आता है रोजमेरी. रोजमेरी का बॉटनिकल नेम होता है रोजमेरियम ऑफिसिनालिस. इसकी लीव्स को यूज किया जाता है. फोर्थ पे वी हैव मिंथ या फिर मेंथा, जिसको पुदीना बोलते हैं. ये जो होता है इसका हम बेसिकली बॉटनिकल नेम मेंथा होती है, और यहाँ पे इसकी बहुत सी स्पीसीज होती है, कोई भी स्पीसीज आप लोग इंक्लूड कर सकते हो. इसका लीव्स यूज किया जाता है, इसकी लीव्स में जो होती है वो एरोमा देखने को मिलती है, जो कि इसको एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक प्लांट बनाती है. आफ्टर दिस वी हैव एपिएसी फैमिली. देखो एपिएसी वर्ड जो होता है ना वो बेसिकली इसको हम लोग स्पाइसिस की फैमिली बोलते हैं, जो कि मसालों की फैमिली होती है. इसके बाद आने वाली वीडियो पे मैं स्पाइसिस और कॉन्डिमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करूंगी. अगर आप लोग के सिलेबस में ये टॉपिक है कि स्पाइसेस क्या होते हैं, कंडीमेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी. तो वहां पे हम लोग एपीएससी फैमिली को ना थोड़ा डिटेल पे पढ़ेंगे. तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वो हमारे एपीएससी फैमिली के ही होंगे वहां पे, इन केसेस ऑफ स्पाइसेस. ओके, सो कोरिएंडर जो होता है इसको हम बोलते हैं कोरिएंडरम सटाइवम. इसकी लीव्स को यूज करते हुए एरोमा एक्सट्रैक्ट की जाती है.
फिर आ जाता है क्यूमिन। क्यूमिन जो होता है हिंदी में इसको हम लोग जीरा बोलते हैं। क्यूमिनम साइमिनम जो होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है, फैमिली तो एपिएसी ही है। सीड या फिर लीव्स में जो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देखने को मिलती है। ओके, मैं यहाँ पे ये पार्ट्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये पार्ट्स क्यों लिखे हुए हैं, ये पार्ट्स उस पर्टिकुलर प्लांट का वो पार्ट है जहां से वो एरोमा एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो जैस्मिन जो होती है इसको हम बोलते हैं जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली होती है ओलिएसी और जो स्मेल होती है वो बेसिकली फ्लावर की होती है। इसका जो फ्लावर होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है और बहुत ज्यादा एरोमेटिक होता है। इवन इससे जो ऑयल्स होते हैं परफ्यूम्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। देन वी हैव वनीला। वनीला तो हर किसी को पसंद होता है, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, केक, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। तो वो जो आइसक्रीम और केक हम लोग बनाते हैं ना उसमें जो वनीला एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो वनीला जो होता है वो प्लांट सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जिस प्लांट से वनीला एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं वनीला प्लैनीफोलिया, जो कि ऑर्किडेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और ये जो वनीला होता है इसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको वेनिलिन बोलते हैं। तो ये फ्रूट्स से निकलता है, ठीक है। तो फ्रूट्स, वनीला का जो फ्रूट होता है, जो वेनिला होता है, वो वेनिला प्लैनिफोलिया प्लांट के फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चैमोमाइल, देखो चैमोमाइल भी बहुत लोगों ने नेम सुना होगा, जो कि एरोमेटिक प्लांट होता है। इसकी बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मैट्रिकेरिया चैमोमिला। एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है और यहाँ पे क्या होता है, इसके फ्लावर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि एरोमेटिक होता है। ओके, अब लास्ट एरोमेटिक प्लांट जो हमारे यहाँ पे आता है वो होता है रोज। रोज का बॉटनिकल नेम होता है रोजा इंडिका। फैमिली रोजेसी को बिलोंग करती है और इसके फ्लावर या फिर पेटल से वो एरोमा एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब हम लोग एक बोनस प्लांट और पढ़ेंगे यहाँ पे एरोमेटिक प्लांट में। अगर इनमें से आपको एक नहीं आता तो एक प्लांट और याद रख लो, वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को हम बोलते हैं सिम्बोपोगॉन फ्लेक्सियोसस, ठीक है। तो ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है। सिट्रल एल्कलॉइड बेसिकली लेमन ग्रास पे देखने को मिलता है। इसकी लीव्स जो होती है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये लेमन ग्रास जनरली एक फॉडर होता है, इसको फॉडर के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन जो लेमन ग्रास होते हैं इसकी भी अपने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो कौन कौन से एरोमेटिक प्लांट हम लोगों ने आज की वीडियो पे कवर किए, तुलसी, लेवेंडर, रोजमेरी, मिंट और मेंता जिसको पुदीना बोलते हैं, कोरिएंडर, क्यूमिन, जैस्मिन फ्लावर, वेनीला, चैमोमाइल, रोज एंड लेमन ग्रास। तो आई होप कि ये वीडियो आज की आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स मैंने आपको बताए, मैंने कोशिश की कि सिंपल से सिंपल मैनर पे आप लोगों को मैं याद करवा सकूं। जैसे कि इकोनॉमिक बॉटनी पे मैंने पहले भी बोला है आपको, हर चीज़ के मिनिमम 10 एग्जाम्पल पता होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इसमें चीज़ें भूल जाते हैं कि हम कैसे याद करें। तो एक बहुत सिंपल सा मैनर मैंने आपको बताया इसके ट्रिक के लिए कि आपको टेबुलर फॉर्म पे याद करना चाहिए। क्योंकि टेबुलर फॉर्म पे क्या होता है कि हर एक चीज का जो होता है ना हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। तो टेबुलर फॉर्म पे जितनी कोशिश हो सके टेबुलर फॉर्म बना के आप चीजों को याद करने की कोशिश करो। इस पे मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड करी इकोनॉमिक बॉटनी पे सब में मैंने आपको टेबुलर फॉर्म के फॉर्म पे बताई। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो देन यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन, हमेशा ओपन रहते हैं वहां पे। और जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे उसका आंसर पता है तो मैं आपको हमेशा आंसर करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो is helpful then please like, share and subscribe. Thank you.